तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, हम आ गए हैं फोन के होम स्क्रीन पे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह उड़ने वाले वीडियो, फ्लाइंग वीडियो को कैसे बना सकते हो। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोरेजी टेक्निकल में। मैं हूं अमित कुमार। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है काइन मास्टर, जो कि एक काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है वीडियो एडिटिंग का। तो इसको पहले से ही मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप भी प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ये रेशियो पूछ रहा है कि किस रेशियो में आप करना चाहते हो। तो यहाँ पे 16:9 दिख रहा होगा आपको, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद आपको होम पेज दिख रहा होगा, हम आ गए होम पेज पे। अब यहाँ पे मीडिया पे हम सबसे पहले क्लिक करते हैं, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम इसकी साइज़ पहले बड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसकी साइज़ को बड़ा कर दिया है, आप देख सकते हो। इसकी साइज़ मैंने 43 सेकंड कर दिया है, आप चाहे जितना भी कर सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट भी कर सकते हो, जितना आपकी इच्छा हो। अब यहाँ ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे आपको लेयर दिख रहा होगा, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे मीडिया पे जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको एक बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन आपको सेलेक्ट करना है, जिसको मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। आप भी गूगल पे जाके वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, मैं इसको एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ कैची दिख रही होगी, कैची के बगल में एक बॉक्स है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे ये जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। और यहाँ पे अब इसकी साइज़ को भी हम बराबर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसको बराबर कर लिया है लगभग, यहाँ पे ये बराबर हो गया इसकी साइज़, आप देख सकते हो। अब यहाँ ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से लेयर पे जाना है और मीडिया पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम फिर से आप फोटोज सेलेक्ट करेंगे, जो भी फोटोज़ आपको लगाने हैं वो आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पे मैं फोटोज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अब मैंने क्या किया है कि पहले फोटोज़ के बैकग्राउंड को इरेज कर दिया है। तो आप भी उसको पहले सबसे इरेज कर लेना, फिर सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक इमेज ले लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद यहाँ पे एक तरफ आप जहाँ चाहो वहाँ पे सेट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कोने में सेट कर दिया है। अब उसके बाद इसकी साइज़ को भी बड़ा कर देते हैं, इनके बराबर कर देते हैं, लगभग इसकी भी साइज़ बराबर हो चुकी है। अब यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब फिर से लेयर पे जाते हैं, और यहाँ पे मीडिया पे जाने के बाद एक और फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे इसको भी छोटा कर लिया है। अब इसको मैं इस साइड पे यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने सेट कर लिया। यहाँ पे सेट करने के बाद अब इसकी भी साइज़ को हम बड़ा कर लेते हैं, बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भी बराबर कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग ये भी बराबर हो गया है। अब यहाँ पे आने के बाद अब हम यहाँ पे इफेक्ट डालेंगे, इसको एनिमेशन बनाएंगे। तो अब दोस्तों, हम फोटो को रन कराते हैं। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी फोटो आपको रन कराना है सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे लड़की वाले फोटो पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जितना भी आपको रन कराना है उतना आपको पहले इसको ऐसे स्लाइड कर लेना है, जितनी दूर तक आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको इतना कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये चाबी वाला आइकन आपको दिख रहा होगा की, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब इस फोटो को हम धीरे धीरे ऊपर ऐसे ले जाके ऐसे ऐसे रन करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे इसको ऐसे बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इसको मैंने बड़ा कर दिया। तो दोस्तों, ये एक फ़ोटो रन हो गया, इतना रन हो गया। अब यहाँ पे अब हम दूसरा वाला फ़ोटो इसको सेलेक्ट करते हैं। अब इसको भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने इस पर सेलेक्ट कर दिया, अब इसको भी हम रन कराएंगे। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पहले इसको भी इतना यहाँ पे ऐसे बराबर कर लेंगे,
अब उसके बाद चाबी वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको भी हम धीरे 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 यहाँ पे यहाँ तक ले जाएंगे और उसके बाद इसको भी थोड़ा सा ऐसे जूम कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये इस तरह बनेगा कुछ। तो दोस्तों यहाँ तक आके ये रुक गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब हम फिर से इन फोटोज़ को रन कराएंगे। तो यहाँ पहले फोटोज़ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ चाबी पे क्लिक कर देते हैं, ये की पे। यहाँ पे की पे क्लिक करने के बाद अब आपको जितने सेकंड इसको रन कराना है आप यहाँ पे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ 20 सेकेंड तक करना है तो 20 सेकेंड तक मैंने कर दिया। अब इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे ऊपर ले जाने के बाद इसको जूम कर देंगे। यहाँ पे इसको मैंने जूम कर दिया, अब ये हो गया। अब दूसरे पे क्लिक करेंगे, दूसरे वाले पे सेलेक्ट करेंगे। अब दूसरे पे सेलेक्ट करने से पहले अब हम क्या करेंगे, वही पोजीशन पे जाएंगे जहाँ से इसको स्टार्ट किया था, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद अब चाबी पे क्लिक करेंगे, अब फिर से ये दूसरे वाले को लिए भी 20 सेकेंड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 20 सेकेंड मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए 20 हो गया। अब इसको भी धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो यार ये भी पहुंच गया ऊपर। अब यहाँ पे इसको हल्का सा जूम कर लेंगे, यहाँ पे जूम कर लिया। अब जूम करने के बाद थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। अब क्या करेंगे, हम पहले वाले फ़ोटोज़ को क्लिक करेंगे। पहले वाले पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ये की आपको दिख रहा होगा चाबी, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब इसको हम 25 सेकेंड का वीडियो क्लियर बनाएंगे, 25 सेकेंड। तो अब 25 सेकेंड यहाँ पे अब मैं इसको सेट कर देता हूँ, यहाँ पे 25 सेकेंड सेट कर दिया। अब यहाँ पे इसको धीरे से हम यहाँ पे इसको ऐसे स्लाइड करते हैं, ये डिज़ाइन एक टाइप से मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ले ले लिया। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, ये दूसरे वाले फ़ोटो पे क्लिक किया। अब हम पहले वही पोजीशन पे जाएंगे बैक पे, तो यहाँ पे बैक वाले पोजीशन पे आ गया मैं। अब यहाँ पे चाबी पे क्लिक करेंगे, चाबी पे क्लिक करने के बाद 25 सेकेंड पे फिर से जाएंगे क्योंकि अब दूसरा वाला भी रन कराना है। तो 25 सेकेंड हो गया। अब इस फोटो को हम इसके बगल में लेके जाएंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। अब दोस्तों ये मैंने एक टाइप से सेट कर दिया। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ, फोटोज हमारा बनेगा कैसे, वीडियो किस तरह दिखेगा। तो यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह ये स्लाइड हो रहा है, एनिमेशन बन रहा है। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, थोड़ा सा आप मेहनत करना पड़ेगा। ये है कि 2-3 बार आप बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप बना लोगे बहुत ही आसानी से इसको। अब आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहीं पे हम इसको स्टॉप कर देंगे यहाँ पे। अब इसको हम क्लिक करके इसको क्रॉप करते जाएंगे, यहाँ कैची पे क्लिक किया। अब यहाँ पे राइट साइड का हमें ट्रिम करना है तो यहाँ पे ये ट्रिम कर दिया। अब इस बैकग्राउंड को भी ट्रिम करना है तो कैची पे क्लिक किया, ये भी ट्रिम हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे इसको भी ट्रिम करना है तो यहाँ कैची पे क्लिक किया, यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे ट्रिम हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे ये बराबर हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में एक गाना सेट करेंगे। तो यहाँ ऑडियो पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे गैलरी में जो भी माई म्यूजिक में गाने हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक गाना सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो गाने हैं, तो आप जो चाहो वो लगा सकते हो। तो इस गाने को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये गाना यहाँ पे सेट हो चुका है, ये गाना बढ़ रहा है, इतना इतना बड़ा हो रहा है। तो इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। तो यहाँ राइट साइड में ट्रिम कर दिया और ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा वीडियो बना। अब यहाँ पे ये ओके का बटन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको इसको सेव करना होगा, तो ये है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे शेयर का बटन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देते हैं।
अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म दिखेगा, कौन से फॉर्म में आप इसको सेव करना चाहते हो। HD 720p में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जिसमें आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पे HD 720p पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक्सपोर्ट। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ये साइन इन मांग रहा है, मैं इसको स्किप करता हूँ। ये देखिए आप एक्सपोर्ट हो रहा है, ये कुछ सेकेंड लेगा। ये हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ PLC में तो दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा वीडियो बना है। इसी तरह आप अपने शादी का वीडियो, किसी के भी शादी का वीडियो बना सकते हो, बहुत ही आसानी से मिक्सिंग कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।